हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए NTPC से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो आप फॉर्म भरने से पहले जान लें। इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, सभी डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या डाउट हैं, जो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको 12 तारीख से रेगुलर क्लास मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, मैथ रीजनिंग की स्पेशल क्लास रहेंगी, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन NTPC में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक वीडियो में बने रहें, सभी डाउट मैं क्लियर करूँगा। पहला डाउट बहुत सारे बच्चों का दोस्तों ये आ रहा है कि किन किन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12th वाले हैं जो, वो किन किन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में। और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी उनके पोस्ट खोल रहे हैं वो सभी पर टिक कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसके जानकारी भी मैं भी दूंगा आपको, रीज़न भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जानने से पहले अपन बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन को जानने के लिए अपन को थोड़ा डीप में चलना पड़ेगा। वो अपन चलते हैं, इसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 10th और 3 साल का डिप्लोमा है, 10th+3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जिनका रिजल्ट नहीं आया क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, जिन लोगों का भी रिजल्ट नहीं आया है 12th का या ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में है, जो यदि उनका रिजल्ट 31 मार्च से पहले नहीं आता तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। NTPC के नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि अपेयरिंग एग्जाम वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो फिलहाल वेट करें, यदि उनका 31 मार्च से पहले रिजल्ट आता है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट होना है, कुछ पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। तो टाइपिंग टेस्ट हिंदी में होगा या इंग्लिश में? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, टाइपिंग टेस्ट हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो कितने शब्द चाहिए पड़ेंगे और हिंदी में किस टाइप के फॉन्ट पे उनका टेस्ट होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ, टाइपिंग टेस्ट यदि आप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। जब आपका फर्स्ट CVT 1 क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। यदि दोस्तों आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको। और हिंदी में वर्ड कितने चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। यहाँ पर कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, वहाँ पे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी और 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है हिंदी के लिए। और दोस्तों यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट करनी पड़ेगी टाइपिंग। जी हाँ दोस्तों, 30 वर्ड प्रति मिनट करनी पड़ेगी। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपका ईजी पड़ जाएगा टाइपिंग करना। चलिए तो बात कर लेते हैं 12th वालों की। जी हाँ दोस्तों, 12th वाले किन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन पोस्टों के लिए वो अप्लाई करें, और माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? जी हाँ दोस्तों, माइनस मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग ग्रुप डी और ALP जैसी ही रहने वाली है, 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी। और 12th वाले किन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि 12th वालों के लिए कौन सी पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन सी पोस्ट हैं, CVT 1 का सिलेबस क्या है, CVT 2 का सिलेबस क्या है, इस बारे में अभी बात कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें? जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं अपन दूसरे फोटो की ओर, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सही रहेगा, आपको कौन सा भरना है, एक से जून से फॉर्म भरने पर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 1 जून से फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रेलवे के स्पष्ट नोटिस में लिखा है कि आप एक ही जोन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपना ही जोन सिलेक्ट करना है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने ही जोन से भरिए, और किस जोन का कट ऑफ कितना जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा जोन सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपनी वैकेंसी के अनुसार जोन सिलेक्ट कीजिए और एक ही जोन से आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं। CVT 2
कब तक होगा? जी हाँ दोस्तों, इस बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी और एज, पोस्ट वाइज वैकेंसी और एज। यहाँ दोस्तों 12th वालों के लिए कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, उनकी एज क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 वर्ष से 30 वर्ष के जो भी विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th जिनकी है वो इस इन पोस्टों के लिए भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट हैं दोस्तों? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, तो इस टाइप से ये पोस्ट हैं। और अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों, ये लेवल लेवल आपको ध्यान देना है दोस्तों। लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2 और लेवल 2। और ये जो लास्ट पोस्ट है दोस्तों, ये लेवल 3 की पोस्ट है। यहाँ पे आप ग्रेड पे देख सकते हैं दोस्तों, 19,900, 19,900 तीनों पोस्ट चारों के लिए 19,900 है दोस्तों। लेकिन ग्रेड जो लेवल 3rd की पोस्ट है उसके लिए जो ग्रेड पे है वो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 21,700 है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है दोस्तों, 10,628 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 10,628 वैकेंसी पर 12th वाले फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पोस्टें देख सकते हैं दोस्तों, पोस्टें किसमें कितनी हैं। तो 4,000 पोस्टें इसमें हैं और 700 पोस्टें इसमें हैं, 17 पोस्टें इसमें हैं, 500 पोस्टें, 500-600 पोस्टों के करीब दोस्तों इसमें हैं, और 4,000 पोस्टें लास्ट वाली वैकेंसी में हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये ग्रेजुएशन वालों के लिए देख लेते हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी एंड एज। जी हाँ दोस्तों, एज जो ग्रेजुएशन वालों के लिए रहने वाली है वो 18 से 33 साल के बीच में रहने वाली है। और दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी डिग्री क्वालिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, डिग्री वालों के लिए ये पोस्ट हैं। डिग्री वालों के लिए जिनकी ग्रेजुएशन है उनके लिए ये पोस्ट हैं दोस्तों। कौन कौन सी पोस्ट हैं? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन मास्टर। तो इस टाइप की पोस्ट हैं जो हैं ये ग्रेजुएशन वालों के लिए रहने वाली हैं। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 12th वाली वैकेंसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th वाले ग्रेजुएशन वालों की वैकेंसी पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए सभी पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी पोस्टों को प्रेफरेंस भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी पोस्टों पर प्रेफरेंस नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना, उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा आपको। यहाँ पर फिलहाल आप लेवल चेक कर लीजिए, लेवल 4 की पोस्ट है ये ट्रैफिक असिस्टेंट वाली, और ये सभी लेवल 5 की पोस्ट हैं, गुड गार्ड्स वगैरह की जो भी पोस्ट हैं। और लेवल 6 की पोस्टों में दोस्तों यहाँ पे स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस टाइप की जो पोस्ट हैं वो लेवल 6 की पोस्ट हैं। ग्रेड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रेड पे बहुत हाई है। ग्रेड पे देखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक कर लीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें, तो 24,000 जो वैकेंसी निकली है वो सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए निकली है। वहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। गुड कास्ट के लिए दोस्तों 5,000 वैकेंसी है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के लिए दोस्तों यहाँ पे 5,000 के लगभग वैकेंसी है, 5,700 के करीब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की भी दोस्तों जो वैकेंसी है वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, 6,800 के करीब वो वैकेंसी निकली है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर टाइपिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो टाइपिंग मैं आपको बता रहा था, टाइपिंग टेस्ट की, जो टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग कंपलसरी रहने वाली है, तो यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये जो पोस्टें लिखी हैं दोस्तों, इनमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट। यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, विदाउट एडिटिंग टूल फैकल्टी, इस टाइप से आपको वैकेंसी कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी कुर्तिदेव मंगल फॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था वो है, और आपको उसी में टेस्ट देना है यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं CBT 1 की। दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 90 मिनट का। 40 की जनरल अवेयरनेस आनी है, 30 की मैथमेटिक्स आनी है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की आनी है। जी हाँ दोस्तों,
तो ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आप टोटल 90 मिनट मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। जी हाँ दोस्तों, एक गलत आंसर पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये CVT 1 का सिलेबस है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। CVT 1 का सिलेबस। ये रहा आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जो स्ट्रांग होगी जिसकी दोस्तों उसका CVT 1 क्लियर हो जाएगा। मैथ की क्लासें और रीजनिंग की क्लासें 12 तारीख से रेगुलर रहेंगे हमारे भी चैनल पे, तो आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें दोस्तों। इसके बाद आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। जो भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। CVT 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो CVT 2 में आपके एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं, 90 मिनट CVT 2 में भाई आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के। यहाँ पे दोस्तों 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। 35 की मैथमेटिक्स, 35 की रीजनिंग। ये CVT 2 का सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम वही रहेगा 90 मिनट। तो यहाँ पे भी माइनस मार्किंग होने वाली है 1/3 की, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट भरना है और सभी पोस्टें क्यों नहीं भरना। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था सभी पोस्टों के लिए आपको अप्लाई क्यों नहीं करना, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों क्यों नहीं करना है अप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप लेवल 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लेवल 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ लेवल 2 की, तो यहाँ पे आपको CVT 2 और टाइपिंग टेस्ट बस देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको CVT 2 देना है और टाइपिंग टेस्ट देना है। यदि आप लेवल 3 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये एक और टेस्ट देना पड़ेगा लेवल 3 की। यदि आप लेवल 3 की या लेवल 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगी यदि आप इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप से मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी आपको वैकेंसी भरनी है उस लेवल देख के वैकेंसी भरिए। जी हाँ दोस्तों, लेवल देख के भरिए। यदि लेवल 2 की वैकेंसी भरते हैं, तो आप सिर्फ लेवल 2 की वैकेंसी भरिए। उसमें आपको CVT 2 देने के बाद स्किल टेस्ट अकेला देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। यदि आप लेवल 4 की वैकेंसी भर देते हैं, तो आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, ये इसके बाद यदि आप लेवल 5 की पोस्ट भर देते हैं, तो आपको और टेस्ट देने पड़ेंगे। स्किल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस टाइप से आप पोस्ट देख के भरिए, और जो भी आप लेवल से पोस्ट भरिए। जी हाँ दोस्तों, आप लेवल देख के पोस्ट भरिए इसके, क्योंकि आप यदि सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर देंगे, तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 12 तारीख के बाद रेगुलर मैथ और रीजनिंग की क्लासें मिलेंगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।